नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ रियलमी C12 में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं और अपनी पसंद का अलार्म में रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हैं। तो अलार्म सेट करने के लिए आपको क्या करना है, क्लॉक वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपना टाइम सेलेक्ट कर लेंगे कितने बजे का चाहिए। तो मुझे मॉर्निंग के 5 बजे का चाहिए, तो मैंने 5 बजे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपना सेकंड सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद आप अलार्म को नाम देना चाहते हैं तो नाम दे देंगे यहाँ पे। जैसे मुझे ऑफिस के लिए चाहिए या मॉर्निंग वॉक के लिए चाहिए, आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक लिख लूँगी और इसके बाद आप यहाँ पर मोर वाले ऑप्शन पर चले जाएँगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा, अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे आपका कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे ऊपर आपको। यानी कि अगर आप अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं मॉर्निंग में अलार्म के साथ, तो अपनी पसंद का गाना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, अलाउ कर देंगे। जितने भी आपके फाइल में या आपके फ़ोन के अंदर जितने भी डाउनलोडेड गाने हैं वो सारे यहाँ पर शो कर जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बैक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका गाना सेलेक्ट हो चुका है। और इसके नीचे आपको सिस्टम रिंगटोन्स देखने को मिलेंगे। सिस्टम की तरफ से जितने भी रिंगटोन आपको दिए गए हैं वो सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई गाना नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोई टोन सेलेक्ट करना चाहते हैं सिस्टम वाला, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे उसको अपने हिसाब से और इसके बाद आप बैक कर देंगे। और इसके बाद आपको वाइब्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपके रिंगटोन के साथ अगर आप चाहते हैं वाइब्रेशन हो तो इस पर आप सेलेक्ट रहने देंगे, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको आप बंद कर देंगे। और अगर आप स्नूज़ वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी रिंगटोन एक टाइम लिमिट के हिसाब से बार बार बजती रहेगी जब तक आप अलार्म खुद से बंद नहीं कर देते हैं तो। और इसके बाद आ जाती है कस्टम की बारी। कस्टम में आपको रिपीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आपको रोज़ अलार्म चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिस दिन नहीं चाहिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, संडे की छुट्टी होती है और आपको अलार्म नहीं चाहिए, तो उसको आप ऑफ़ कर देंगे। जैसे मैंने मॉर्निंग वॉक के लिए लगाया तो मॉर्निंग वॉक तो रोज़ होती है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देती हूँ। इसके बाद आप बैक कर देंगे और इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अलार्म है वो सेट हो चुका है। इस टाइप से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं और अपने मनपसंद का रिंगटोन लगा सकते हैं अलार्म के साथ। और भी कई सारे टॉपिक्स पर मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।